कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.4 अध्याय 20 प्रायिकता। मान लीजिए ताश की गड्डी से यादृच्छा दो पत्ते निकाले जाते हैं। मान लीजिए एक्स इक्को की संख्या प्रकट करता है, तब ई आप एक्स का मान, एक्स की प्रत्याशा निकालना हमको, तो क्या वो हमको बतलाना है कि क्या वो 37/221 होगी कि क्या 5/13 होगी कि 1/13 होगी या डी 2/13 होगी। इसके हल के लिए हम ध्यान से देखिए, हमारे पास जो कंडीशन दी है क्या, कुल पत्ते हमारे पास 52 है। हम में से सब जानते ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या होती है वो कितनी, 52 होती है। और इसमें भी किसकी, इक्को की संख्या। यदि कोई इक्को की संख्या कहे तो ये इक्को की संख्या यहाँ पर कितनी होती है, 4 होती है। अगर इक्को की संख्या को हटा दिया जाए तो हमारे पास बचने वाले शेष पत्ते 52 में से 4 को घटा देंगे तो 52 में से 4 को घटाने पर क्या मान आएगा, 48। दो पत्ते खींचने पर, क्या करने पर, दो पत्तों को यदि खींचा जाए दो पत्ते खींचने पर विभिन्न प्रकार की संभावना आएगी। सारी संभावनाओं को ध्यान से समझे। पहली संभावना पी आप एक्स 0। मान लो कि हमारे पास एक भी इक्का नहीं आया, 4 में से एक भी इक्का नहीं आया, और क्या आ गए, 48 में से कोई दो पत्ते आ गए, बटे 52 में से हमने दो पत्ते निकाले थे। तो इसका जब हल देखेंगे तो इसका हल आपको मिलेगा कितना, 188/221। इसको हल करने पर मान आएगा 188/221। मान लो दो पत्ते आप खींचते हो लेकिन एक इक्का मिल गया, दो की बजाय कितने इक्के मिले, एक इक्का मिल गया, मतलब 4 में से कोई एक इक्का निकल गया, गुणित शेष 48 में से कोई एक दूसरा पत्ता निकला। टोटल पत्तों की संख्या तो 52 ही थी, 52 में से दो ही पत्ते निकाले थे, तो इसकी जो हल होगा वो होगा 32/221। तीसरी संभावना ये भी हो सकती है कि जब हमने पत्तों को क्या किया, खींचा, तो दोनों के दोनों क्या आ गए, इक्के आ गए, यानी 4 में से दो इक्के मिल गए लेकिन शेष जो 48 पत्ते हैं उसमें से कोई भी एक नहीं मिला। टोटल तो 52 ही पत्ते थे, 52 में से दो पत्ते खींचे, तो इसकी संभावना टोटल हो गई 1/221। यहाँ हमको एक्स की क्या प्रत्याशा निकालना है, मतलब ई आप एक्स बराबरी से जो वैल्यू होगी क्या, समेशन एक्स इंटू पी आप एक्स, इन सारे मानों को जोड़ते जाएंगे। साथ ही साथ 188/221, जबकि क्या हमारे पास में एक भी इक्के नहीं थे, मतलब शून्य, गुणित 188/221 धन एक इक्का था, उसकी संभावना 32/221 धन दोनों के दोनों इक्के थे 1/221। इसका जब हम हल देखेंगे तो इसका हल मिलेगा हमको कितना, क्योंकि ये दोनों पद तो ये तो समाप्त हो गया, 32 और 2 जुड़ गए तो कितना आ जाएगा, 34। 34/ इसका योग आ जाएगा 34/221। 34 में जब हम 221 का 34 में जब हम 17 का भाग देंगे तो 17 × 34 और ये 17 × 1=17 और 17 × 3=51। तो x की प्रत्याशा कितनी होगी, 2/13। उम्मीद है
आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।